लखीमपुर खीरी में जिस भूमि पर हुई पूर्व विधायक मुन्ना की मृत्यु, उसी पर कब्जा दिलाने पहुंच रही पुलिस। 6 सितंबर को पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार मुन्ना की जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई थी। सिविल कोर्ट लखीमपुर, कमिश्नरेट लखनऊ आदि में मुकदमा चलने व विचाराधीन होने के बावजूद भी पुलिस कब्जा दिलाने पहुंच रही है। खेत की मेड़ पर भी मौजूद लोगों ने कर रखा है परिया कोर्ट में मुकदमा। अभी हाल ही में पुलिस महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान का बयान आया था, जमीनी विवाद में पुलिस ना करे दखलंदाजी। डीएम खीरी के कहने के बावजूद भी एसडीएम नहीं कर रहे हैं 145 की कार्यवाही। मामला त्रिकोलिया पूर्व विधायक निर्मल कुमार मुन्ना जी की विवादित जमीन का है। पलिया प्रशासन पिता पूर्व विधायक मुन्ना की हत्या के बाद अब मेरी हत्या कर देना चाहती है, कहना है संजीव मुन्ना का। मुन्ना, मैं आपके पूर्व विधायक मुन्ना जी का बेटा हूँ। मेरे पिता की जमीन, मेरे पिता की हत्या इसी जमीन पर जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ। लॉकडाउन के दिन मेरे पिता की हत्या करा दी जाती है। मैं डीएम के पास गया, वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जो हत्या रोपी हैं वो पहल कर रहे हैं, वो एसडीएम से दबाव बनवाते हैं, वो सीमांकन करवाना चाहते हैं, वो जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। मैं डीएम साहब के पास गया, डीएम साहब ने एसडीएम साहब को कहा कि आप इस विवादित जमीन पे 145 की कार्रवाई, इसके बाद 146 की कार्रवाई करिए। लेकिन एसडीएम साहब 145 की कार्रवाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एसडीएम साहब चाहते हैं कि विवाद हो और मेरी हत्या ये कराएं। अब ये देखिए, ये प्रशासन के लोग आधा किलोमीटर दूर पे खड़े हैं, इनकी पीएससी की गाड़ी। मैंने एसडीएम साहब से कहा कि एसडीएम साहब आप चाहेंगे 10 मिनट में निपटेगा, लेकिन बात निपटाना नहीं चाहते, बात कराना चाहते हैं। ये सब मिलके जिस तरीके से मेरे पिता की हत्या कराई, इसी तरीके से ये सब मिलके मेरी हत्या कराना चाहते हैं। प्रशासन की क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? मैं योगी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप इन पे अंकुश लगाएं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जिस दल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि मेरी हत्या होने से मुझे बचाएं।